ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਾਰ ਗਏ ਏ ਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਏ ਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਾਰ ਗਏ ਏ ਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਹਾਰਨਾ ਏ ਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ आज का मैच बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था। कुछ बीच में बारिश भी हो गई, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि लाहौर वाले बहुत मिस फील्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना हर मैच हार जाते हैं। एक बात ये कि हमें एक तो जमीन बंजर मिली, ऊपर से टीम, फिर भी मैं ये कहूंगी कि लाहौर कलंदर हमारी टीम है, हम जिंदा दिलाने लाहौर हैं और हम हमेशा लाहौर को सपोर्ट करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। रन फवाद से एक ही दिखे कि मेहरबानी करके हमारा कैप्टन चेंज कर दीजिए ना, कभी कप्तानी किया उसने, बिल्कुल बकस कप्तानी की थी। हफीज को भेजना चाहिए था, वो किसी और को भेज देते हैं। सुहेल तो बोंगा बिल्कुल बकस कप्तान है और हफीज भाई ने भी कुछ नहीं किया। प्रोफेसर प्रोफेसर बस नाम बस नॉर्मल थी, अच्छी तो नहीं थी, बिल्कुल लूज। मैं पहली मतलब आई हूँ स्टेडियम, मुझे लाइव मैच देखने में ज़्यादा मज़ा आया उस मैच में। लाहौर के अंदर हर बार ही हार जाती है और क्या। यार ये क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मारो, ठीक है, ये लाहौर का नाम बदनाम कर रहे हैं। देखिए अच्छा, हमने 2000 रुपए की टिकट खरीदी, 3000 की, क्यों मैच देख रहे हैं? हमारे साथ मजाक है, हमने हम एक मिनट भाई ये मजाक हो रहा है, हम मैच देखने आ गए, गलती हमरे से हो गई। अफसोस कोई नहीं, नेक्स्ट सही, फिर सही, हौसला बंदा ना हारे, देखता जाए आगे आगे क्या होता है, शायद बिन कारी जाए अगले साल भी है। जी बिल्कुल। आज का मैच कैसा लगा? आज का मैच बस सो था, ज्यादा अच्छा नहीं खेले। आज आप किसको सपोर्ट करते हैं? आज हम आए तो इस्लामाबाद के लिए थे, लेकिन लाहौर का भी देखने का अपना ही मजा था। नहीं नहीं जीत नहीं गई ये बच्चा, वैसे सच्ची मुझे इस्लामाबाद का सपोर्टर था, हम लाहौर के थे। नहीं ये लाहौर कलंदर्स का तो जनाजा निकल गया आज, लाहौर कलंदर्स इन्नल्लाहि वइन्नल्लाहि राजिऊन। ये हारने की ही नीयत से आए हुए थे, एक मैच जीत के इनको लग रहा था कि शायद अब हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे। ट्विटर में लोग कह रहे थे कि लाहौर कलंदर्स 1992 की पाकिस्तान टीम बन के निकलेगी, तो ये सिर्फ बातें ही रह गई हैं। लाहौर कलंदर्स की यही औकात थी, और जब सलमान बट जैसे फिक्सर्स टीम प्लेयर्स को टीम में रखा जाएगा तो उनकी मनुष्यत तो असर दिखाएगी ही। राणा साहब पे तो तरस आता है, वो बेचारे तो पूरा साल मेहनत करते रहते हैं क्रिकेट के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम उनकी परफॉर्म ही नहीं कर रही, तो इसमें अब क्या कर सकते हैं हम। राणा साहब नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत दिल रोया है कसम से, कलंदरों का दिल आज आज टूटा है। एक कल आस बनाई थी इन्होंने खुदा खुदा करके, लाखों दुआओं के बाद कल जीत का सिलसिला शुरू हुआ था। हम वही आस वही उम्मीद वही जज्बा लेके आए मैदान में आए थे, लेकिन आज हमारा दिल टूटा है। आज की शिकस्त जो है ना ये हम नहीं भूलने वाले हैं। यार देखो तीन मैच हमारे हैं, मुझे उसका दुख नहीं है, जो कल जीते वो मैच हमें खुशी थी, हमें यकीन था कि आगे ये जीतेगा। लोग कोई मैंने क्रिकेट है कुछ भी है कोई मैंने, हमें कुछ करना पड़ेगा, जो टीम का मालिक है जो लोरी है उनको फर्क पड़ेगा, मैं सिंध का हूँ कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा ये मन है फिर भी मैं हौसला कर रहा हूँ, इंशाल्लाह लोअर कंदर अपने समय तक जाएगी। तो मेरी ये दुआ है लोअर कंदर को और कराची को, मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। राणा फवाद आप टेंशन ना लो, क्रिकेट है कुछ भी हो गए, आज हार गए कोई भी नहीं है, जब दूसरा मैच होगा जब जो फाइनल मैच होगा इंशाल्लाह वो चलेगा अपना आप। शुक्रिया। जिस तरह से लाहौर खेलता है कोई पीएसएल की कोई टीम इस तरह से नहीं खेलती, और हमें लाहौर पे बहुत ज्यादा फख्र है कि वो आज फिर से हार गए। वो बड़े लड़के बुला लेते हैं ना, वो बड़े लड़के बुला लेते हैं, हमारे यहाँ के लाहौर के लड़के होते हैं वो बड़े लड़के बाहर से बुला लेते हैं, एकदम से वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा ना। नहीं बहुत अच्छा खेला आज,